खबर आ रही है भीलवाड़ा से, जहां चित्तौड़ रोड पर रामधाम के सामने बने अंडर ब्रिज पर कुछ दिनों पहले रेलवे द्वारा भारी वाहनों ओवरलोड वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए और रेलवे अंडर ब्रिज की सुरक्षा के लिए लोहे की भारी एंगल से वाहन अवरोधक सुरक्षा गार्ड बनाया गया। लेकिन सुरक्षा के लिए बनाया गया यह अवरोधक जान का खतरा बनने की कगार पर है। इस अंडर ब्रिज से रोजाना दोपहिया, टेम्पो, कार और जीप सहित सैकड़ों संख्या में वाहन निकलते हैं और कई टेम्पो चालक और कार चालक हादसों का शिकार हो चुके हैं। कई गाड़ियों की छत टूट चुकी है। इसी समस्या को लेकर विभिन्न टेम्पो चालकों ने राजस्थानी जनमंच अध्यक्ष कैलाश सोनी को इस गंभीर समस्या से अवगत कराया, जिस पर उन्होंने वहां जाकर मुआयना किया और रेलवे प्रशासन से मांग की कि तुरंत इस एंगल गार्ड को सुरक्षा के मापदंडों के अनुरूप सही कराकर आमजन को राहत पहुंचाई जाए। स्वर्गवासी श्री ज्योताराम विधानी, पूर्व अध्यक्ष सिंधी सेंट्रल पंचायत, पूर्व पार्षद व पूर्व अध्यक्ष गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, आज आपकी 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सभी परिवारजन आपको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। श्रद्धावनतः हरि विधानी, गुलशन कुमार, हर्षिता विधानी, रौनक विधानी, हृदय कुमार विधानी, सावल लाल, रमेश कुमार, मोहनदास, अशोक कुमार, पवन कुमार, पंकज, राहुल, राजकुमार और समस्त विधानी परिवार।